सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और प्यारी बुआ जी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और संगीता बिटिया कैसे हो? बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। और सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार स्नेह आशीर्वाद। और आशीर्वाद आशीर्वाद तो देते ही रहना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल देते रहना चाहिए। और लेने क्योंकि गर्मी आ गई है इसलिए नहीं, लेने वालों को बिल्कुल भरपूर लेना चाहिए आशीर्वाद। मिलता बड़ी मुश्किल से है इसलिए। नहीं नहीं बिल्कुल मिलता है, ऐसे ही प्यार भी बांटते रहना चाहिए हम सबको, जिसके पास जो भी है वो बांटते रहना चाहिए। अब भाई इस समय मौसम के पास गर्मी है तो गर्मी दे रही है हमको, मिल रही है अच्छी खासी, है ना? जी जी वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और है। आज के भी जो हमने विषय लिए हैं बुआ जी वो भी जरूरी है, बताना जरूरी है। पहले तो यही तो हम कह रहे हैं कि बताना तो जरूरी है ना। हाँ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है और गर्मी की जैसे आपने बात करी तो पौधों को भी जो है वो थोड़ी तकलीफ तो है ही है, तो उन्हें भी किस तरह से उनकी देखभाल करनी है उस बारे में भी बात करेंगे, ताकि वो जो पनप रहे हैं उन्हें सही माहौल मिल सके। और आज दिन जो है कि वीरांगना के बारे में हम बताते हैं सखी विशेष में, तो वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में बताएंगे आज जी। और व्यंजन की तरफ भी चलेंगे। हाँ भाई, उसके बिना तो होता ही नहीं है ना बुआ जी, है उसके बिना संभव नहीं है। संभव है लेकिन हमारे साथियों ने वो कहते हैं ना कि किसी ने वो भी भेज दिया चित्र, अच्छा कलम भी और कागज भी, मतलब डायरी खोल के बैठे हुए हैं लोग, तो कलम भी लेकर बैठे हुए हैं तो फिर कैसे होगा। तो व्यंजन भी बता देंगे, लेकिन शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। ये जो दिवस है ये बड़ा खास दिवस है और हमारे बहुत सारे साथियों ने ये लिखा है कि ये पहली बार सुन रहे हैं इस दिवस के बारे में। तो भाई सखी सहेले सुनते रहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो पहली बार आप सुनेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहली बार सुनेंगे। जी जी जी, ये कहा नहीं जा सकता है कि मतलब अभी हुई नहीं तो बात नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। आज ये दिन हम मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 5 अप्रैल को मनाने की घोषणा की और जिसका उद्देश्य है कि प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्शियंस, यानी कि अपनी अंतरात्मा की बात को बिल्कुल सुने, उस पर ध्यान दें, आत्मचिंतन करें और ये देखें कि अपने आप को, हम समाज को, देश को, पूरे विश्व को आगे लाने के लिए क्या कर सकते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले हम इधर देख लें, उधर देख लें, बाकी देख लें समाज में क्या हो रहा है। उससे बेहतर यह है कि पहले हम स्वयं की ओर नजर डालें, यानी अपने ओर झांकें, अपने आप को देखें। जी जी, और कई बार तो ऐसा भी होता है ना भाई कि बाहरी जो बातें होती हैं उनमें हम इतना फंस जाते हैं कि अपने मन की अंतरात्मा की आवाज सुन नहीं पाते, तो ये भी बहुत जरूरी है कि सुनना भी नहीं चाहते हैं, पता है सुनना नहीं चाहते, तो उसे भी महसूस करें, अपनी आत्मा को महसूस करें और अंतरात्मा क्या बोलती है उसे भी महसूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज जो शुरू होती है वो अपने अंदर से शुरू होती है। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, लिखा है कि सभी सखा और सहेलियों को भी नमस्कार, आज दो विषय में दिनों की जानकारी है और अंतरात्मा सुनकर तो आश्चर्य हुआ। ये बात हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है। अच्छा, ये आगे लिखते हैं कि अंतरात्मा भी समुद्र की तरह ही होता है, शांत और गहरा, जिनका फैलाव तो ज्यादा होता है पर संयमितता असीम। इसलिए आज ही दूसरा खास दिन समुद्र दिन है, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी आज के विषय में। तो भाई इन्होंने बड़े अच्छे से दोनों को जिस तरह से संजोया है, यानी कि तुलना जैसी की है, वो वाकई बहुत महान बात है जिस पर हमारा भी ध्यान नहीं गया। बिल्कुल सही बात है कि हमारा मन भी है ऐसे ही विशाल है, उसकी गहराई है जो हमारी अंतरात्मा की, उसमें हमें देखना होगा कि अंदर क्या क्या रत्न है और हमारे अंदर क्या क्या है, हम बाकी चीजों को बाद में देखेंगे, है ना? और उसी से हम लोग जो है दुख और सुख उसका भी अनुभव करते रहते हैं, और जब दुखी होते हैं तो फिर वही अंतरात्मा की आवाज जो है वो हमें झकझोर देती है जी। तो विश्व स्तर पर इसे किस तरह से लोगों के साथ समझना चाहिए, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर बातों को सहन करना या फिर क्षमा करना, लोगों को प्रेम करना, और यहाँ तक कि जो अपने अपने सरहदें हैं उनसे पार जाकर विश्व स्तर में भी हम अपने दिल की बात सुने और अच्छे से अच्छा काम करें, तो ये बहुत जरूरी है। देखो दिल की बात जो होती है ना, जीवात्मा परमात्मा, ये नाम भी जो दिया गया है बहुत सोच समझ कर हमारी संस्कृति में रखा गया है। आत्मा से ही इसका मतलब है, और आत्मा जो होती है वो बहुत शुद्ध होती है, पवित्र होती है, बहुत स्पष्ट होती है, निष्पक्ष होती है, होता भी है कहते हैं। वैसे गीता में तो आत्मा को पुल्लिंग बताया गया है तो ये अजर अमर जो आत्मा है इसकी बात को सुनना, समझना, अपने अंतर आत्मा की आवाज को समझना, यानी खुद को समझना, इसके लिए बहुत शांत चित्त होकर बैठना जरूरी है और मनन करना बहुत जरूरी है।
तो भाई देखो, ऐसा है कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि हाँ। जब भी हम कुछ करने नया या गलत करने की सोचते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है जो हमें बताती है, चेताती है, हमें सही और गलत का फर्क बताती है। लेकिन जब हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, उसे नकारना शुरू कर देते हैं, फिर वो आवाज हमें धीरे धीरे सुनाई भी देना बंद हो जाती है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को हमेशा जगाए रखिए, वो हमें जिंदगी में कभी भटकने नहीं देगी। तो सुनना बहुत जरूरी है जी। तो मतलब अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया मन की बात जो है वो अंतरात्मा की बात जो है थोड़ा थोड़ा सुनना और समझना और इसे जिंदगी में उतारने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अंतरात्मा की आवाज वो आवाज है जो हमें सही कार्य करने की प्रेरणा देती है। जब किसी विषय पर हमारे विचारों और अनुभव का मिश्रण होता है तो उन विचारों को के मंथन को अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो अंतरात्मा को समझाने की होती है कई बार। बिल्कुल होती है, लेकिन अब हम लोग चलते हैं। ये जो अंतरात्मा की तरह गहरा जो समंदर है उसका भी दिवस है, उसको ढेर सारी बधाई देते हैं। हाँ हाँ, समुंदर को हाँ, है समुंदर ना, को बिल्कुल समंदर को बधाई देते हैं। हाँ। अपनी विशालता को यूं ही बनाए रखे, जो गहराई है वो भी बनाए रखे, उसके अंदर ढेर सारे जो रत्न हैं इसे रत्नाकर भी इसीलिए तो कहते हैं। हाँ, है ना जी, जी जी बिल्कुल। तो 5 अप्रैल 1919 के दिन पहली बार इसे मनाया गया। ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस है भाई। 1919 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम जो है शिप जो है वो SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था भाई। उसी की याद में ये मनाया जाता है खास दिन। और 1964 से प्रति वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार भी दिया जाता है जी। और अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाने और भारतीय जहाजरानी उद्योग को आगे बढ़ाने और इससे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में प्रयास सराहनीय हो सके, इसलिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। भाई समुद्री खजाने तो भाई खजाने ही खजाने हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि इस अथाह सागर के तल में और क्या क्या है। जो जो हमें पता है वो तो हम सब जानते ही हैं भाई। मूंगा है, मोती है, बहुत सारे और भी रत्न हैं। उसके संग संग जीव हैं, बहुत से शैवाल हैं, बहुत सारी की बहुत तरीके की वनस्पतियां हैं। उसके संग संग तेल जो है वो भी तो समंदर में ही बीच में पाया जाता है। अगर ये समंदर ना हो तो जिस हम लोग जो चल रहे हैं चौपाये से दोपाये से हाँ। वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं होगा। सबके घर में बैठ जाएंगे जी जी, जितने वाहन हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो चीजें होती हैं, जो चीजें पाई जाती हैं, उनका वाणिज्य व्यापार तो बहुत समय से ही चलता आ रहा है। तो इसी दिशा में जो प्रयास होते हैं इसको लेकर के, वाणिज्य को लेकर के या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसमें भी आगे जो सराहनीय काम लोग करते हैं उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और दूसरा एक बात और है कि उसमें दिन प्रतिदिन नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं कि इन सब चीजों का और क्या क्या उपयोग किया जाए, कैसे और नए जहाज बने। अब वैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर और भी मनोरंजन के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी इसमें बहुत सारी असीम संभावनाएं अब देखी जा रही हैं। समुद्र के आसपास उसको विकसित किया जा रहा है, लोगों के लिए कह सकते हैं ना कि एक मन को खुश करने की एक जगह भी बन रही है। तो तरह तरह की चीजें हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और युवा लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर जाकर देखने का भी नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि किस तरह से लोग अंदर सामान्य जन। ये तो भाई बाकी चीजें जो हमारे करते हैं लोग वैज्ञानिक वो अलग मुद्दा है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से भी लोग खुद कैसे जा सकते हैं, कैसे जीव जंतुओं को देख सकते हैं ना, वो भी अब प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा उसमें तरक्की हो गई है। हाँ, और बहुत कौतूहल भी होता है। कौतूहल होता है, देखने का बड़ा मन करता है कि अथाह पानी देखने में कैसा होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक देखना बड़ा अच्छा। डाइविंग जो होती है उसके अंदर जो छलांग लगाते हैं उसके अंदर तक जाते हैं। वैसे तो जो पेशेवर तैराक हैं वो तो जाते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए भी अब सब चीजों को मुहैया कराया जा रहा है कि वो पास से जाकर कोरल है ये सारी चीजों को देख लेते हैं, मूंगा आदि को, कि ये कैसे समंदर के अंदर की दुनिया क्या है। तो कुछ इस तरह से उसमें और भी नित नए शोध हो रहे हैं ताकि ये चीजें सामान्य जन तक पहुंच सके। और भी बहुत सारी चीजें हैं सागर के गर्भ में जी, है ना। और पूरा
पुस्तक है और समुद्र और समुद्री चीजों की जो है वो इंसान से कहते हैं ना कि एक पूरा रिश्ता होता है। हाँ, पूरा रिश्ता है। हाँ, बिल्कुल रिश्ता होता है और उसको भी समझने की बहुत जरूरत है। तो समुद्र में जो खजाना है उसके बारे में सोचते हुए कई बार उसमें ये होता है कि जहां समुद्र है उसके ऊपर से रेलगाड़ियां जाती हैं या जो भी है, तो उस पे लोग जो कुछ पॉलिथीन में बांध बांध करके फेंक देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि तो समुद्री जीव जो होते हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक पड़ता है। हमारे साथियों ने भी सुना जरूर होगा कि बहुत सारी ऐसी बड़ी विशाल मछलियां मिली जिनके पेट में बहुत टनों प्लास्टिक था, तो अब समझ लीजिए कभी कभी तो कितने लोगों की मृत्यु भी हो जाती है ऐसे जीव जंतुओं की। तो कहीं ना कहीं फिर इसके लिए आत्मचिंतन की जरूरत है। जी जी, तो भाई इस तरह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन इन सब में शांति के लिए जरूरी है कि आत्मचिंतन करें, खामोश बैठे रहें। लेकिन खामोश कैसे रह सकते हैं जब हमारे सामने इतनी महान रानी की बात हो, यानी राजकुमारी सहल कंवर। हाड़ी रानी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इतिहास में इनका श्रेष्ठतम स्थान है ऐसा कहा जाता है। मध्यकालीन भारत की ऐसी वीरांगना है हाड़ी रानी, जिनका योगदान हमेशा हम सबको ये सिखाता रहता है और सिखाता रहेगा कि युद्ध क्षेत्र में विजय ही लक्ष्य है और उस विजय लक्ष्य को साधने में अपने पूरे सामर्थ्य और ध्यान को सिर्फ लक्ष्य पर रखना चाहिए, अन्यथा शौर्य पराक्रम और लक्ष्य में चूक की संभावना प्रबल हो जाती है। जी, अद्वितीय सुंदरी हाड़ी रानी, हाड़ा चौहान वंश से जिनका संबंध था, पिता की लाडली, माता की दुलारी और राजमहल की शान हाड़ी रानी। हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी, उम्र परवान चढ़ी और अपूर्व सुंदरी और वीर कन्या हाड़ी रानी का ब्याह मेवाड़ के सलुम्बर सरदार रतन सिंह चुड़ावत से संपन्न हुआ। रतन सिंह चुड़ावत अपनी नई नवेली महारानी को पाकर अति प्रसन्न थे। वैसे भी मेवाड़ के राजा राज सिंह की सेवा में रहे रतन सिंह इस बात से आश्वस्त थे कि इधर युद्ध जैसे हालात तो है नहीं, तो महारानी के संग अच्छा समय गुजारा जा सकता है और गुजारेंगे भी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी रानी के हाथों की मेहंदी के रंग वैसे ही थे, चटक थे, मांग का सिंदूर भी लालिमा अभी बिखरी थी। लाल जोड़े जब पहनकर रानी महल में धीरे धीरे चलती तो उनकी पायल की रुंझुन से महल का कोना कोना खनक उठता था। वो जब बाग में जाती तो जैसा लगता कि पंछियों और सरोवरों की तान में मिठास घुल जाती। अभी तो उनके होठों की लाली सुर्ख थी, आंखों में जीवन के सपने थे। एक सुबह पूरब के सूरज की लालिमा अपने चेहरे पर लिए चंपा चमेली की खुशबू को समेटे भोर की बेला में पायल खनकाती महाराज रतन सिंह को जगाने आई रानी और पति के मुख का दर्शन कर बोली, कोई दूत आया है, महाराज से मिलना चाहता है तुरंत। रतन सिंह की ओर संदेशा बढ़ाते हुए दूत ने आग्रह किया कि राजा राज सिंह ने सेवा में आने का संदेशा दिया है और तत्काल। रतन सिंह चुड़ावत और हाड़ी रानी के ब्याह को अभी एक सप्ताह ही हुए थे। रानी को भी आश्चर्य हुआ, पूछा तो पता चला कि तुरंत ही युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान करना है। मन में महाराज के बड़ी कश्मकश थी, अभी तो उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को ठीक से देखा भी नहीं था और उसे वादा किया था जो उसका क्या कहा था कि लगभग 6 महीने तक कहीं जाना संभव नहीं। और अब ये फरमान, राजा रतन सिंह चुड़ावत हाड़ी रानी से इतना प्रेम करने लगे थे कि उनके बिना एक पल भी काटना मुश्किल होता था। वो अपनी रानी के बिना अपने जीवन की कल्पना करने में भी असहाय महसूस करने लगे थे। और ये बात रानी भांप चुकी थी कि वो युद्ध में जाते अपने पति की राह में कोई रोड़ा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब जाहिर है कि पति का प्रेम, उनको पता था कि वो किस तरह से अपनी पत्नी से आसक्त हैं, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उनकी तरफ से उनके पति का मोह कम हो जाए और वो युद्ध में जाएं, अपना कर्म करें। इधर मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना मेवाड़ के रास्ते बढ़ रही थी और फौज को रास्ते में रोकना था। मेवाड़ राजस्थान से सटे कई क्षेत्र और इलाके मुगलों के कब्जे में थे, जिसे पहले ही छुड़ाने की कोशिश मेवाड़ के राजा राज सिंह ने शाहजहां के काल से ही करना शुरू कर दिया था और कई जगहों को राजपूत राजाओं ने मुक्त भी कराया था। इस बार फिर राजस्थान मेवाड़ पर फतेह की चाहत लिए औरंगजेब बढ़ा तो राजपूत सरदारों को तुरंत राज सिंह ने मोर्चे पर रवाना करने का फैसला किया, जिसमें रतन सिंह चुड़ावत भी थे जिन्हें राजाज्ञा का पालन करना था। आखिरकार पत्नी से विदा लेने की घड़ी आई और हाड़ी रानी से कहा, अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो तुम मुझे भूल तो न जाओगी। यानी कि इतने आसक्त थे वो। हाँ। और रानी पति प्रेम को इस समय उनके मार्ग का कांटा नहीं बनाना चाहती थी, सो कुछ भी जाहिर नहीं किया।
पति को तिलक का लगाकर रिवाज के मुताबिक हाथों में तलवार दी और अपने दिल को मजबूत किया और पति को रणभूमि की ओर प्रस्थान करने का आग्रह किया। रतन सिंह मेवाड़ की सरहदों की तरफ अपने लश्कर के साथ रवाना हुए, लेकिन उनका दिल, उनकी अंतरात्मा हाड़ी डानी में ही लगी रही। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत पराक्रम तो दिखाया, शाम हुआ तो फिर अपने शामियामे में आ गए और अपने जख्मों को धुलने और मरहम पट्टी का भी ख्याल न करते हुए तुरंत दूत रानी के पास भेजा एक पत्र देकर। उन्होंने एक प्रेम संदेशा भी पहुंचाया। रानी ने दूत को देखा तो आश्चर्य से भर गई कि युद्ध में भी उनके पति का ध्यान उनकी वजह से अगर भटका तो पति की हार और मुगलों की जीत भी संभव हो सकती है। खैर, रानी ने कुशल मंगल होने का संदेशा दूत के हाथों भिजवा दिया, लेकिन फिर दूसरी बार अगले दिन पति का संदेशा फिर आया दूत के हाथों। इस प्रकार तीन बार अविलंब ही पत्र उन्होंने पाया, दूत आया और इस बार पति ने उनसे कुछ निशानी मांगा। अब इस बार पत्र पढ़कर रानी को यह पूरा भरोसा हो गया, बल्कि वो घबरा भी गई कि महाराज का हृदय तो उनसे ही जुड़ा हुआ है, वो युद्ध कैसे करेंगे, जबकि आधे मन से युद्ध में जाना आधे बल के समान हो सकता है और महाराज शत्रु के हाथों मारे भी जा सकते हैं। इस प्रेम से महाराज की हार हो सकती है। सो अब की बार हाड़ी रानी ने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे स्वर्ण थाल में सजाकर चुनरी ओढ़ाकर राजा रतन सिंह चूड़ावत को भिजवाने का आग्रह किया। उन्होंने पहले ही अपने अनुयायियों से ये सब बातें कह दी थी। जी, और सैनिक ने अपने कांपते हाथों से थाल लिया। रतन सिंह चूड़ावत सैनिक का इंतजार कर रहे थे। सैनिक को देखा तो दंग रह गए। चुनरी हटाई तो रानी का सिर देखकर स्तब्ध रह गए। होश संभाला और सारी बात मन ही मन समझ गए। रण क्षेत्र की तरफ प्रस्थान करने से पहले रानी के भेजे पत्र को पढ़ा कि रानी के प्रति इतनी आसक्ति से उनकी हार भी संभव हो सकती है। लिखा, आप निश्चिंत रहें कि मैं आपकी ही हूँ, आपकी विजय हो, पुनः हमारा मिलन उत्तम लोक में होगा और जन्म जन्मांतर का साथ होगा। इस पत्र के और जो उन्होंने भेजा था अपना सिर, उसका असर ये हुआ कि रतन सिंह चूड़ावत मोह के सारे बंधन से मुक्त हो गए। महारानी के इस योगदान को सफल करते हुए युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना को धूल चटाई और मेवाड़ तक औरंगजेब के पहुंचने का ख्वाब अधूरा ही रह गया, जो कभी पूरा ना हुआ। लेकिन इस युद्ध में सरदार रतन सिंह चूड़ावत वीर गति को प्राप्त हुए। राजस्थान में हाड़ी रानी महिला बटालियन भी है, उनकी वीरता को याद करते हुए ये बटालियन है वहाँ पर। जी जी, सबने अपने अपने फिर से बातें लिखी हैं। अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सही होती है। कुछ सुन ना रहा हो तब हमारे भीतर झांकना चाहिए, कुछ सूझ ना रहा हो, इनका कहना है, कुछ सूझ ना रहा हो तब अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी आत्मा से सलाह मशवरा करना चाहिए और हमारे लिए क्या सही है वो समझना चाहिए। तो बहुत पते की बात है। और बुआ जी, इस बात से एक बात और याद आती है कि ऐसा भी कहते हैं कि रात में जब हम सोते हैं, सुबह कितने समय हमको उठना है, तो अगर ये अपने मन ही मन में बोल दिया जाए कि भाई हमें इतने बजे उठना है, तो अंतरात्मा जो है, ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल उसी समय आँख खुल जाती है और नींद खुल जाती है। मतलब संगीता बिटिया, तुमने इतनी छोटी सी चीज के लिए अंतरात्मा को झकझोर दिया है, बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये काम अलार्म से भी कर सकती हो, इतने अंतरात्मा को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, लेकिन एक बात तो है कि जो हम सोचते हैं वही होता है, ये बात इस छोटी सी बात से जाहिर होती है, चाहे सोने वाली बात हो या उठने वाली बात हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इस जो आत्मा वाली चीज है उसमें फीड हो जाती है, यानी भर जाती है। ऐसे हमारे साथी ने यह भी लिखा है कि अंतरात्मा दिवस कुछ नया सुनेंगे। मेरा अनुभव है कि जब तन और मन से हम शांत होते हैं, तब एक धीमी सी अंतरात्मा की आवाज सुनी जा सकती है और वो आवाज इतनी सच्ची और परफेक्ट सलाह होती है कि कैसे भी विडंबना हो या फिर रास्ता न दिखता हो, तब ये आवाज एक उत्तम मार्गदर्शन करती है। तो मतलब अगर तुम्हें 5 बजे उठना है तो बस ये मार्गदर्शन कर देगी, है ना? जी, हाँ, फिर उठे चाहे नहीं उठे, लेकिन रात में कहना तो जरूर पड़ेगा भाई। हाँ, पर ये भी तो होता है ना। हाँ, कि भाई अच्छा चलो थोड़ी देर और सो लें, उसके बाद उठते हैं, और फिर सोले, फिर और नहीं उठाती है, फिर नहीं उठाती है ना, क्योंकि अब तुमने कहीं ना कहीं, जैसे हमारे साथियों ने लिखा है कि अंतरात्मा बोलती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये शोरगुल केवल बाहरी वाला नहीं, हमारे अपने विचारों का भी जो है उसमें कहीं ना कहीं हम उसको
ओझल कर देते हैं, कहीं पीछे धकेल देते हैं और हम बाकी विचार जो है हम उनको सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर हम खुद नहीं सुनते अंतरात्मा की आवाज, सुनना हम ही को है, समझना हम ही को है, है ना। वो कहते भी तो है कि एक के बाद एक धड़ाधड़ ऐसे विचार आते चले जाते हैं, फिर अंतरात्मा की सुनने का फिर क्या टाइम ही नहीं है ना। हाँ वही तो, उठ जाना 5 बजे सुन लोगे तभी बागवानी भी कर पाओगे। हाँ जी, पहले हलवा पहले बनाया वो या पेड़ों को पानी दे दिया जाए। बिल्कुल, हलवा बना रहे हो तो हलवा बना, तुम्हारी मर्जी। हाँ, अब तुम जब उठी गई हो तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही है समय ये बताओ। अभी अंतरात्मा तो ये कह रही है कि पहले पेड़ों को पानी दे दिया। हाँ, क्योंकि भाई देखो गर्मियां हैं, गर्मी में जो पौधों को आप हफ्ते में एक दिन दे रहे थे अब दिन आ गया कि 2 दिन में एक बार दें, और जिन्हें 2 दिन में एक बार दे रहे थे अब उनके लिए समय आ गया है कि सुबह शाम दे दें। ये निर्भर करता है कि कितनी धूप में आपका पौधा है या किस दिशा में रखा है, है ना। तो ज्यादा अभी जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें आप उसको बिल्कुल आंख बंद करके उसको आप पीछे नहीं पड़ जाएंगे या उसको फॉलो नहीं कर सकते। निर्भर करता है कि कितनी गर्मी है आपके इलाके में, आपके घर में खास तौर से, है ना। मौसम का भी फर्क पड़ता है। जी जी, तो हाँ, तो सुबह और शाम पानी दें, साथ ही जब वाटरिंग कैन से पानी देते हैं यानी कि जिसमें फवारे निकलते हैं बहुत सारे, तो उसे बड़े अच्छे तरह से क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वॉटरिंग कैन। अच्छा, हम लोग तो हजारा कहते थे भाई। अच्छा, तो नया नया शब्द बता देती हूँ, चलो ठीक है बढ़िया है, हजारा। हाँ, क्योंकि उसमें हजार धार निकलती थी, हम लोग तो बचपन से यही कहते थे उसको। हाँ, और देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है, और जब उसे पौधे सींच जाते हैं तो पौधे बड़े अच्छे लगते हैं। और आजकल तो स्प्रे वाली बोतल भी आने लगी है, उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं और उसमें पत्तियों पर भी छिड़काव अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, गर्मी के दिन में क्या करें। हाँ, तो गर्मी के दिन में जो पौधे हैं जी, खास करके कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम गमले में लगाते हैं, तो उनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो गमले में लगे हुए हैं तो पानी उनमें इतना होता नहीं है। दोपहर में पानी। अच्छा, तो बाकी जगह क्यों नहीं ध्यान देना होता है। नहीं, बाकी जगह ध्यान देना होता है बुआ जी, लेकिन ये गमले होते हैं ना, तो इनमें जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में नहीं, मतलब जो सही मायने में कहते हैं ना, सीधे तौर से मिट्टी में नहीं लगा होता है, बगीचे में नहीं लगे होते हैं, तो इनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब गमले वाले जो पौधे होते हैं वो मिट्टी नहीं लगे होते हैं। नहीं, मिट्टी में लगे होते हैं। मतलब ये फर्क बताओ कि जो जमीन में लगे होते हैं उनमें और गमले में लगे वाले में फर्क। हाँ, होता है जी, मिट्टी जी। वाले बहुत दूर दूर तक से जो है पानी ले आते हैं अपने। हाँ, लिए है ना, वो कहीं से भी उठा लाते हैं पानी। जी, तो ये बात स्पष्ट ही नहीं हो रही थी, हमें लगा तुम्हारे यहाँ कुछ गमले में ऐसे लगते हैं कि इसमें मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती है। नहीं नहीं, मिट्टी की तो बहुत जरूरत है बुआ जी। अच्छा, और टेरेस गार्डन में पौधों को कई बार ज्यादा धूप लगती है, तो फिर बहुत सारे लोग नेट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेट जो है वो हरे रंग का लगाएं या हल्के रंग का लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर गहरे रंग का कुछ अगर कपड़ा वगैरह लगा दिया तो फिर तो वो सूरज की किरण जो है वो ज्यादा सोख लेगा एक तरह से अपने में, तो गर्मी और गर्मी देगा। हाँ, गर्मी ज्यादा। तो भाई इस बात का ख्याल रखें। वैसे हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि पौधों को गर्मी के मौसम में बचाने का एक कारगर तरीका उसकी नियमित ट्रिमिंग भी है। अगर पौधे बहुत छोटे और नाजुक हो तो आप उनके ऊपर कपड़े का शेड लगा सकते हैं, इससे वो सूरज की तीखी किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचेंगे। अगर शेड की व्यवस्था ऐसी हो कि उसे शाम को हटाया जा सके तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आप सुबह की हल्की धूप के बाद शेड लगा दें और शाम होते ही हटा दें। इसके साथ ही हफ्ते में एक बार पत्तों की सूखी पत्तियों और टहनियों की कटाई छटाई कर लें। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो बिल्कुल बात बहुत सही कह रही हैं आप। हाँ, और जब शेड की बात हुई है ना जी, कि मतलब कपड़े का शेड लगा सकते हैं, तो उसमें कई जगह ये भी देखा जाता है कि जो बांस की खपच्चियां होती हैं उनको भी पास पास अगर लगा करके उससे भी शेड बनाया जा सकता है, तो जिसे थोड़ी रोशनी आती है और थोड़ा मतलब राहत रहती है, जिसे बैम्बू शेड्स भी कहते हैं जी। और अब चूंकि पानी की बात है और पौधों की सेहत की बात है, तो खाद वगैरह का भी ध्यान देना चाहिए। जो घर में जो कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, यानी सब्जी के छिलके वगैरह हो गए या गोबर की खाद हो गई, तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता होती है। तो ये मौसम चूंकि पौधों के अगर मद्देनजर देखा जाए तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो उसी हिसाब से जो खाद होती है वो
यूरिया वगैरह न डाल करके, बल्कि ये जो प्राकृतिक खाद है इसका इस्तेमाल करें, कृत्रिम से करें, अच्छा है कि प्राकृतिक करें खाद का इस्तेमाल। हाँ तो वो तो बात ठीक है, लेकिन गर्मी के लिए अगर हम खास तौर से बात करें तो अगर बारिश में हम अक्सर ध्यान रखते हैं, सर्दियों में भी ख्याल रखते हैं कि हम लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, तो जो पानी वाली जो होती है हमारी खाद उसको इस समय हम बहुत अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। बाकी जो है वो जैसे कहते हैं ना, केला आपने खाया तो उसको एक बोतल में रख लीजिए, उसके छिलकों को काट काट के, और दो छिलका है तीन छिलका जितना निकलता है घर में, तीन चार पानी में रख दीजिए उसको, रोज एक बार उसको खोल दीजिए, रोज क्या बस दो तीन दिन उसको हिला दीजिए, फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन उसको ज्यादा आधे बाल्टी पानी में उसको मिला के छान कर, छिलका ना डालें, छिलका फेंक दीजिए और इसका पानी आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से नींबू के छिलके जो निकलते हैं रसोई घर में उनको निकाल कर उनका भी लिक्विड जो है वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। मीठी नीम की पत्ती जो है, कड़ी पत्ता जो जिसको बोलते हैं, उसके पौधे के लिए बहुत कारगर है कि जो हम मलाई से घी निकालते हैं उसका जो छाछ निकलता है या जो कहते हैं ना वो जो निकलता है उसका पानी आप थोड़ा सा जरूर डालें, तो उससे देखें कितनी तेजी से पत्तियां पनपती हैं। तो कुछ चीजों में ध्यान रखना होता है ना, और ये चीजें जल्दी आराम से जड़ों में पहुंच भी जाती हैं, अगर लिक्विड रहेगा पानी की तरह रहेगा तो वो आराम से पौधों में पहुंच भी जाती है। खरपतवार जरूर हटा दें क्योंकि वो बहुत सारी नमी खींच लेते हैं, है ना, हाँ अनावश्यक रूप से। हाँ तो खरपतवार तो हटा दें, लेकिन वो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, रंग बिरंगे पेबल्स होते हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा जड़ के आसपास अगर रख दें तो उससे भी धूप को वो थोड़ा रोक लेते हैं, यानी छान छान करके धूप जो है वो पहुंचती है। जड़ों के आसपास रखें कि मिट्टी के ऊपर रख दें? हाँ मतलब वही मिट्टी यानी कि मिट्टी के ऊपर अगर हम रखेंगे तो ये होगा कि उसमें बहुत तेजी से पानी उड़ेगा नहीं मिट्टी का, नमी बनी रहेगी। जड़ वाली थोड़ी सी जगह छोड़ दें पूरा, मतलब उसको मतलब ये है कि बस उसको आप रख देंगे मिट्टी के ऊपर तो हवा जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से पानी सूखेगा नहीं। इसके संग संग इस बात का भी ख्याल रखें जैसे कि सूखी पत्तियां वगैरह वो हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा गुड़ाई भी करते रहें बीच बीच में पौधों की, मिट्टी की खास तौर से, है ना। जी जी, और खरपतवार भी हटाते रहें, साथ ही साथ जो जो पानी है उस वो उस जगह पे जहाँ पर जड़ होती है, जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे पत्थर की बात करी जी, तो वहां पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना बुआ जी, जो बेकार हो जाते हैं, जैसे जो जिसे प्लाई कहते हैं, प्लाई के उस तरह के जो टुकड़े होते हैं वो भी हैं, तो उनको भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बिछा देते हैं, नीचे बिछा देते हैं और उसमें जब पानी डालते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सी नमी बरकरार रहती है। नमी बरकरार रखने के लिए आजकल तो बहुत सारी चीजों की भूसी आती है वो आप मिला सकते हैं मिट्टी में, ऊपर भी बिछा सकते हैं, ऐसे कोको पिट है उसको रखने से वो पानी को अपने अंदर रखती है और उससे नमी पहुंचती रहती है, तो बहुत सारी चीजें हैं बस। लेकिन हाँ ये कि जब भी पानी भी डालें तो इस बात का देख लें कि मिट्टी में कितना पानी है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पानी, हमने इतनी ज्यादा व्यवस्था कर दी कि उसके लिए पता लगा कि वही उसके लिए मौत का कारण बन जाए, गड़बड़ हो जाए जी। तो अति ना करें, ध्यान रखें और देख कर ही पौधों में पानी डालें। सब नियम सारे पौधों पर लागू नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग पोषण की जरूरत होती है, अलग अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है जी, है ना भाई। देखो स्ट्रॉबेरी श्रीखंड है और बहुत बहुत सारी चीजें हैं, चीज अंगूरी है, हमारे साथी ने पाइनएप्पल का हलवा भी बताया, लेकिन देखो एक पौधों के बारे में हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है, गर्मी में पौधों की देखभाल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करनी पड़ती है। गर्मी में अगर पौधे खुली धूप में लगे हों या गमले धूप में रखे हों तो पौधों को भरी दोपहर में पानी कतई ना दें, पानी बिल्कुल सुबह या फिर रात को जब मौसम कुछ ठंडा हो जाए दें। समय समय पर कटिंग करें और जैविक खाद का प्रयोग भी करते रहें, सूखे पत्ते पौधों से हटाते रहें। तो बात बिल्कुल सही है, जैसे हम बच्चों की देखभाल करते हैं ना कि देखते रहें कि कौन सी पत्ती मुरझा रही है, कौन सी ठीक है, किसकी ग्रोथ अच्छी है, उसी हिसाब से सब कुछ आपको करना होगा। तो भाई इतना आसान नहीं है बच्चों को पालना और पौधों को संभालना। और जब वो खिलते हैं सुंदर सुंदर उसमें फूल तो फिर उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि उनकी देखभाल, पेट भरा हो तब अच्छा लगता है पता है। हाँ वो तो है। तो पाइनएप्पल का हलवा हमारे एक श्रोता ने भेजा है, बताओ बताओ। तो उसकी विधि लिखती हैं कि लिख रही हूँ कि डिब्बा बंद पाइनएप्पल, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी शक्कर, दो इलायची, चार पांच लौंग, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, कढ़ाई में घी डालकर इलायची लौंग दालचीनी डालें, सूजी डाल दें, सुनहरा होने तक इसको भून लें, अब उसमें दो कटोरी पानी डालकर अच्छे से हिला लें, फिर शक्कर मिला लें, जब पानी खत्म होने लगे तब आधी कटोरी, एक कटोरी जितना दूध मतलब आपको डालना है वो डालें,
और क्योंकि सूजी है तो थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है। आंच धीमी कर पकने दे, जब ये पक जाए तब केसर वाला दूध, पाइनएप्पल का एसेंस और पाइनएप्पल के टुकड़े जो डिब्बा बंद होते हैं उसे इसमें डालें कुछ देर के लिए और रख दें। फिर ये हलवा तैयार है। हाँ, तैयार, क्या बात है, बहुत आसानी से बन गया। आसानी से बन गया ना, एक बार जरूर ट्राई करें। 500 ग्राम गाढ़ा दही लीजिए, ठीक है, पानी निथार कर ले और फिर उसमें 3-4 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर, शक्कर अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसमें 1 कप ताजी स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से बादाम और पिस्ते पतले कटे हुए, बिल्कुल बारीक कटे हुए, इसको हवाई जैसे कटते हैं ना वैसे बिल्कुल फाइन चॉप किया जाता है। फिर ताजी स्ट्रॉबेरी को ब्राउन शुगर के साथ महीन पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसे गाढ़े दही जो हमने रखा है अलग से पानी निथारा हुआ में मिलाकर अच्छे से फेंट दीजिए। इस मिश्रण से में इलायची पाउडर और बादाम पिस्ता मिला दें। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड को ठंडा करके खाएं और खिलाएं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। जी, ये मैं देख रही हूँ, कहाँ देख रही हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है, किस श्रोता ने लिखकर भेजा है? ये तो नहीं दिखाई दे रहा है बुआ जी, लेकिन हाँ मोबाइल है तो फिर दिख रहा है बिल्कुल कि आप उसमें से ही पढ़ रही हैं। और ये अच्छे अच्छे जो रेसिपीज हैं ये हमारे श्रोताओं ने तो दिया। वैसे एक बता दे बुआ जी कि एक दही आम की लस्सी। अच्छा, बताओ बताओ। तो दही आम की लस्सी बनाने के लिए 250 ग्राम दही लें, एक बड़ा आम, चीनी अंदाज से ले लें, आधा कटोरी कटे हुए मेवे, पिस्ता, बादाम, काजू, आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, बर्फ के टुकड़े, दूध एक गिलास ठंडा, एक चम्मच अनार के दाने, इसको डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए ऊपर से डालें। और इसको बनाना ऐसे है कि दही और दूध को मथानी से या मिक्सी के जार में डालकर फेंट लीजिए, इसको बर्तन में पलट लें और आम को छील लें, उसके टुकड़े कर दें और गुठली निकाल दें, जो गूदा हो उसको मिक्सी में डाल दें, चीनी डाल दें, अंदाज से सब कुछ मिला दें, पीस लें और इसमें थोड़ी सी जो दही है वो डाल दें और छोटी इलायची का पाउडर, कटे हुए मेवे, बर्फ के टुकड़े डाल दें, ग्लास क्या बात है, सर्व करें। तो इस ठंडे ठंडे माहौल में मतलब इन द सेंस कि ठंडे ठंडे व्यंजन के साथ साथ देखो हम अपने साथियों ने जो बीच बीच में पौधों के बारे में सब बड़े उत्सुक हो गए हैं। हाँ। सभी अपनी अपनी बारे में बता रहे हैं। गर्मियों में पेड़ पौधों की देखभाल जो है, देखभाल बहुत जरूरी होती है। मेरा सुबह का समय तो इन्हीं में पानी देने में चला जाता है, इनकी साफ सफाई गुड़ाई में ही जाता है। इस समय मोगरे के फूल आ रहे हैं, गुलाब भी आ रहे हैं। ज्यादा गर्मी पड़ने पर मैं पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगा देती हूँ जिससे तेज धूप में पेड़ पौधों का बचाव होता है, हरे भरे रहते हैं। फिर भाई ये लिख रही हैं कहीं जा भी रही हैं ये, तो फिर इन्होंने ये भी लिखा क्या बात है कि पेड़ों में पानी डालने के लिए किराएदार को दे दिया है चाबी। तो भाई सही बात है कि बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि छत पे गमलों में मैंने गुलाब, तुलसी जी, गेंदा, मोगरा, रजनीगंधा, मीठी नीम, अजवाइन, सादा सुहागन पौधे लगाए हैं। गर्मी की शुरुआत में ही हमने हरे रंग का नेट का कपड़ा सभी पौधों के ऊपर लगा दिया था जिससे धूप सीधी नहीं पड़ती। सुबह शाम गमलों में गमलों के साथ दो मिट्टी के बर्तन जो गमलों के बीच में रखे हैं चिड़ियों के लिए, उसमें पानी डालते हैं भाई, ये बड़ी खास बात है। तो कृपया आप रखें क्योंकि जहां पौधे होते हैं वहाँ चिड़िया आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, है ना? और फूल खिलते हैं तो फिर मन करता है, उनकी खुशी भी बड़ी दुगनी रहती है। तो भाई बाहर के लिए जो हम पौधे लगाते हैं उसके बारे में हमारे साथी बराबर लिख रहे हैं। ये भी लिख रहे हैं कि हमने जैसे कि केले के छिलके की बात की, वैसे ही कह रहे हैं प्याज का जो छिलका होता है, ये बात भी सही है, उसको भी निकाल कर पानी में डाल दें, उसको छान कर फिर पौधों में डाल दें। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस समय खाद बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए, गर्म होती है, और खाद तो खासतौर से जब भी डालें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, जड़ों के पास नहीं डालना चाहिए, उससे कम से कम 5-6 इंच की दूरी पर एक घेरा बना दें और उसमें ही डालना चाहिए। हाँ। तो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। दही का भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि दही का ताक दें, इससे पौधों को ताकत मिलती है। लेकिन खुद की ताकत के लिए बहुत जरूरी है कि तरह तरह के व्यंजन खाए जाए। चीज अंगूरी, इसके लिए सामग्री लिख लें, ठीक है। चीज चाहिए 1/2 कप यानी कि करीब 80 ग्राम, और पनीर चाहिए 120 ग्राम यानी कुल मिलाकर हो गया 200 ग्राम। नमक चाहिए स्वाद के हिसाब से, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10 कूटी हुई काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच हरा धनिया और 2 टेबल स्पून अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इन सबको मिला लेंगे, गूंद लेंगे, इसके 2 हिस्से करके एक छोटी छोटी गोलियां बनाकर अरारोट के आटे में लपेट कर गोल करके रख लेंगे। ऐसी मतलब सारी गोलियां जब बन गई, 2 या 4 एक बार में डालकर इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। कहने का मतलब ज्यादा नहीं डालनी चाहिए शायद, ऐसा? हाँ, कम कम, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो चिपक ना जाए ना, यानी कढ़ाई में पहले। हाँ,
तेल घी डालेंगे, तब उसे तल कर रख लेंगे जी। और इसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं साथी लोग, आप ये समझ जाइए कि एक तो पनीर है, चीज है, तो सब पकी हुई चीज है, तो आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, तो इसलिए इसमें धीमी आंच की जरूरत नहीं है, इसको तेज आंच में आप तल लीजिए। फिर उसके बाद एक ग्रेवी बनाने के लिए तैयारी कर लें, ये तो आपके कोफ्ते जैसे तैयार हो गए, है ना, इसको जिसको हम नाम दे रहे हैं चीज़ अंगूरी। फिर अब थोड़ा सा अलग से कढ़ाई में क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल या घी लेंगे और एक टुकड़ा दालचीनी, दो तेज पत्ता, चौथाई चम्मच जीरा और एक इलायची के दाने, 6-7 काले मिर्च, 3 लौंग, इन्हें गरम तेल में डालें। फिर इसमें 2 कटे टमाटर, आधा कप काजू, आधा इंच अदरक और एक हरी मिर्च का पेस्ट बना डालिए इसको। फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, थोड़ी थोड़ी भुन जाए तो डाल लें इसको, फिर भून लें। फिर इसमें कस्तूरी मेथी डाल दें। अब सब भुन जाएगा जब, तब इसमें आधा कटोरी मलाई डाल लें, थोड़ी सी चीनी 1 या 2 चम्मच बस, और थोड़ा पानी डालकर इसको भून लें। ग्रेवी जब बन जाएगी तब इसमें नमक डालें, फिर इनमें जो है जो हमने बॉल बनाया था उसे डाल लें और थोड़ा सा उबाल लें, तैयार हो जाएगा। हाँ जी जी, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी, अच्छी अच्छी सी, बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है क्योंकि इसमें चीज रहेगी जी, तो बच्चों को एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। और बुआ जी, इसमें चीनी डालने से भी थोड़ा स्वाद बदल जाता है। हाँ, ये निर्भर करता है, आप थोड़ा सा चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं शक्कर की जगह, पहले उसकी सुधार ज्यादा अच्छी होती थी, और ये तो निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। वैसे तो शक्कर आप चाहे वो मटर पनीर बनाए या मतलब ये पालक पनीर बनाते हैं उसमें तो जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जो पालक का खारापन है, तीखापन सा जो आता है वो संतुलित कर देता है, तो ये कुछ चीजों में शक्कर बहुत आवश्यक होती है जी, तो डाल सकते हैं। मेहरबानी आपकी कि साथियों ने इतने प्यार मोहब्बत से सारे कार्यक्रम को सुना। इसी तरह से सखी सहेली कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक सुनते रहिए। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार।